खबर है यूपी के बरेली से, जहां इज्जत नगर के लोगों ने कम वोल्टेज एवं बिजली के बार बार आने जाने से परेशान होकर इज्जत नगर उपकेंद्र पर एकत्रित होकर उपकेंद्र का घेराव कर दिया। इस दौरान वहां की जनता को चकमा देकर वहां से फरार हो गए। जब वे काफी देर तक नहीं लौटे तो जनता ने उपकेंद्र के बाहर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि जहां योगी जी ने लगातार बिजली होने की बात कही थी, वहीं संबंधित अधिकारी बिजली पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि कई बार इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की जा चुकी है, जिससे जनता का जीना दूभर हो गया है। आपको बता दें कि बिजली के कम वोल्टेज एवं जहां पर भी बत्ती नहीं आ रही, उसकी देखरेख कर सुविधाएं भी पूरी की जाए। मेरा नाम मयंक शुक्ला है। मयंक जी, क्यों आए हैं आज बिजली का इज्जत नगर पे? क्या समस्या आ रही है जो आप यहाँ पे आए? समस्या यहाँ पे एक महीने से वोल्टेज फ्लक्चुएशन की समस्या है। लोड डिस्ट्रीब्यूट सही से नहीं कर रखा है। ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल जो है वो बार बार ट्रिप हो जाता है। कारण उसके पीछे बहुत सारे हैं। टावर हमारे यहाँ लगे हुए हैं दो तीन, उन दो तीन टावरों का कनेक्शन भी हमारे ट्रांसफार्मर से दिया हुआ है। स्ट्रीट लाइट जा रही है हाईवे की स्ट्रीट लाइट भी हमारी ट्रांसफार्मर से दी हुई है। इसके बाद तार ट्रिप कर रहे हैं, न्यूट्रल ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पर आकर हम रोज़ रात को 15 दिन से रोज़ रात को कृष्णानगर से कोई ना कोई यहाँ पर आता है। यहाँ पर आने के बाद लाइनमैन जाते हैं, लाइनमैन बेचारे लगे रहते हैं, इधर का फॉल्ट उधर का फॉल्ट, लेकिन जो मेन समस्या है उसको कोई निराकरण करने के लिए तैयार नहीं। मेन समस्या क्या आ रही है? मेन समस्या वोल्टेज फ्लक्चुएशन की आ रही है। वोल्टेज हमारे यहाँ इतने ड्रॉप हो चुके हैं कि कोई उपकरण हमारे यहाँ बिजली का काम नहीं करता। नगर निगम से वाटर सप्लाई हमारे यहाँ नहीं है, पानी पर सब लोग बिजली पे ही आधार रहते हैं, सबके अपने अपने मोटर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिपाल सिंह है। आज इज्जत नगर बिजली घर पे आए, क्यों आए, क्या मामला है? सर, हम लोग का कृष्णनहर जो है एक बिल्कुल हेडिल से लड़ा हुआ क्षेत्र है, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे मोहल्ले में एक महीने से लो वोल्टेज आ रहे हैं, जिससे बिजली उपकरण बहुत फूट चुके हैं। और यहाँ पर अभी इन्होंने कल जाके टेबल ठीक कर रहे हैं, बंच टेबल जो लटके हुए हैं वो, उसका प्रूफ मेरे पास है, वीडियो मेरे पास है। और अभी इनके पास आके हम लोगों ने बंच टेबल के लिए बताया कि वो लटके हुए हैं, कोई हादसा हो सकता है, तो इन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि हम कल आएंगे, कल ठीक करेंगे। ये जय सामने कहिए, मेरे पास पूरा वीडियो है इस चीज़ का। और सबसे बड़ी समस्या ट्रांसफार्मर से, यहाँ से तीन फेज जाने चाहिए जहाँ तलट बीच में, वहाँ तलट एक भी फेज नहीं जा रहा सही से। वोल्टेज कितने आ रहे हैं? 90, 120, 70। अब आप ये बताइए कि हम लोग एक महीने से झेल रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर नहीं आते, और अभी हम लोग बात कर रहे थे, इतनी देर में जय साहब अपनी कुर्सी छोड़ के गायब हो गए यहाँ से। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।